हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। लाइक वी आर स्टार्टिंग अवर प्लेलिस्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज टू बी द एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। सो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स को आप लाइक कवर करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। लाइक हम कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक मे बी अ फ्रंट एंड, बैक एंड और अ मशीन लर्निंग पार्ट। क्लियर? शेयर करूंगा लाइक इन अ प्रोजेक्ट वी हैव मेक लाइक यूजर रजिस्ट्रेशन पेज। यदि मैं बात करूं कि यूजर रजिस्ट्रेशन मतलब जो कि आपके लोकल फार्मर्स हो सकते हैं, जो कि आपके लोकल यूजर्स हो सकते हैं, वो होगा लाइक रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद यूजर लॉग इन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपको जो एक्सपर्ट है वो आपको वैलिडेट देता है, लाइक आपको कंफर्म करता है कि आप पर्टिकुलर यूजर हैं, वो आप वैलिड हैं उसको लॉग इन करने के लिए। क्लियर? तो इसके बाद आपका पार्ट आता है एक्सपर्ट का भी रजिस्ट्रेशन होगा, एक्सपर्ट का भी लॉग इन होगा। अब जो एक्सपर्ट का रजिस्ट्रेशन है वो आपका लाइक एडमिन पैनल में जाएगा, जो आपका मेन एडमिन हो सकता है, मे बी है जो प्रोजेक्ट के मेन जो आपके प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट, तो वहां पर आपका लाइक इस तरीके का प्रोजेक्ट बन सकता है। क्लियर? यदि मैं एक्सपर्ट लॉगिन की बात करूं तो वो आपको वैलिडेट मिलेगा फ्रॉम द एडमिन, और जो यूजर लॉगिन की बात करूं तो उसका वैलिडेशन मिलेगा आपको एक्सपर्ट के थ्रू। क्लियर? तो ये आपकी लाइफ साइकिल होगी। लाइक यदि आप बात करें कि आप इसमें कौन कौन से पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो मैंने ये कुछ 6 पॉइंट बताया आपके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा लाइक जो यूजर है वो क्या परफॉर्म कर सकता है आफ्टर द लॉगिन। लाइक यदि उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, वो उसको लॉगिन वैलिडेशन मिल गया, उसके बाद वो क्या कर सकता है? तो बेसिकली यूजर जो लॉगिन करेगा उसके बाद वो लाइक उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो शेयर कर सकता है विद एक्सपर्ट्स। क्लियर? लाइक उसको कुछ क्रॉप में कुछ डिसीज आई है, तो उसको वो क्या कर सकता है, उन डिसीज की फोटोज भेज सकता है लाइक टू द एक्सपर्ट। अब जो एक्सपर्ट है वो उनको देख सकता है, तो एक्सपर्ट के पास एडमिन डैशबोर्ड होगा जो कि देख पाएगा कि पर्टिकुलर लाइक डिसीज जो आई है वो किस किस टाइप की आई है और किसके द्वारा आई है। अब एक्सपर्ट एक्सपर्ट के पास एक और क्रेडेंशियल होगा, लाइक वो जो यूजर है उनको मैसेज सेंड कर सकता है, और जो मैसेज सेंड करेगा वो यूजर्स को दिख जाएगा। क्लियर? तो ये यूजर और लॉगिन लाइक यूजर और एक्सपर्ट की कनेक्टिविटी है, और ये सब ऑल ओवर कनेक्ट होगा आपके एडमिन से, जो आपका मेन एडमिन होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। क्लियर? उसके बाद हमने कुछ और एड ऑन पार्ट किए, लाइक आप मशीन लर्निंग को ऐड करके यहाँ पर क्रॉप प्रिडिक्शन पेज बना सकते हैं, जिसके हेल्प से क्या करेगा, फार्मर आपको लाइक यूजर इनपुट वैल्यू देगा, उसके बेसिस पे आप उसको प्रिडिक्शन देंगे। क्लियर? लाइक मैं यदि बात करूं क्रॉप प्रिडिक्शन की, तो क्रॉप प्रिडिक्शन में बेसिकली यूजर देगा लाइक नाइट्रोजन वैल्यू, पोटेशियम वैल्यू, फॉस्फोरस वैल्यू और पर्टिकुलर लाइक ह्यूमिडिटी और जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजरिंग होते हैं लाइक आपको किसी भी क्रॉप को रिकमेंडेशन करने के लिए, तो वो आपके सारी की सारी वैल्यू आप यूजर से लेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। तो ये मशीन लर्निंग आपका ऑलरेडी लाइक ट्रेंड होगा मॉडल कि आप लाइक ये वाली वैल्यू देते हैं तो इसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर आउटपुट आता है, तो उसके बेसिस पे आपको लाइक ये पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा। तो ये हम डिप्लॉय कहाँ करेंगे, उसके लिए हम लाइक टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, वो आपका फ्रेमवर्क है फ्लास्क। विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क यू कैन डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट ऑन पर्टिकुलर वेब पोर्ट। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर टास्क लाइक क्रॉप प्रिडिक्शन ML प्रोजेक्ट, उसके बाद हम मूव करेंगे फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन पे। अब मैंने फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन आफ्टर क्यों बोला, लाइक यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपके पर्टिकुलर फार्म में क्रॉप कौन सी लगी हुई है, लाइक उसके बेसिस पे आपको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन होगा, आपकी सॉइल का टाइप क्या है, आपकी क्रॉप का टाइप क्या है, आपकी रेनफॉल क्या वैल्यू है, आपकी लाइक ह्यूमिडिटी क्या है, आपकी लाइक NPK वैल्यूज क्या है, उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन मिलेगा कि आपको यूरिया डालना चाहिए या पर्टिकुलर लाइक मे बी आर DAP डालना चाहिए और नाइट्रोजन पोटेशियम वैल्यू के जो मात्रा बढ़ानी चाहिए। क्लियर? इस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। ये कुछ 7 और 8 मॉड्यूल्स होंगे आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में। क्लियर? तो मैं डिस्कस करता हूँ आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का दिखेगा। यदि मैं लैंडिंग पेज की बात करता हूँ तो आपका नेविगेशन बार होगा, नेविगेशन बार के अंदर लाइक होम होगा, यूजर रजिस्ट्रेशन होगा, यूजर लॉग इन होगा, एक्सपर्ट एक्सपर्ट लॉग इन, और मे बी आप और भी बटन्स लगा देंगे लाइक ML आपका लाइक क्रॉप रिकमेंडेशन, यहाँ पर और भी और लगा सकते हैं लाइक आपका फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, तो ये 2 वैल्यू और आपकी। क्लियर? यहाँ पर मैंने लैंडिंग पेज पर वेलकम यू लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये जस्ट फोटो है जो कि ऊपर आपकी प्रिंट करा रही है एक पर्टिकुलर मैसेज को। क्लियर? उसके बाद हम यूजर रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करेंगे, लाइक उसमें आपको लाइक नेम मांगेगा, ईमेल मांगेगा, फोन नंबर मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड। उसके बाद जैसे आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद यदि आपका एक्सपर्ट उसको लाइक वेरीफाई कर देता है, कंफर्म कर देता है,
उसके बाद आपके पास जो मैंने बटन बताई थी आपको कि यहाँ पर आपका यूजर लॉगिन है, तो उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन पेज पे जाकर आपका लॉगिन आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है आपका जो आप लॉगिन करेंगे तो आपको किस तरीके का वेलकम जो एडमिन जो पोर्टल है वो किस तरीके का दिखेगा, तो ये उसका इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है सबमिट प्रॉब्लम की बटन है, एक्सपर्ट की जो मैसेज आएगी उसकी बटन है, उसके अलावा आपके कुछ कुछ और भी आपके वैल्यूज हैं, तो जो भी आप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना फंक्शनलिटीज चेंज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर। उसके बाद जो आपने सबमिट प्रॉब्लम पे क्लिक किया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर द नेम किस किसके थ्रू जा रही है, एंटर द कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, और हमने यहाँ पर एक फोटो सबमिट करने का ऑप्शन दिया है जिसके हेल्प से आप फोटोज को भी सबमिट कर सकते हैं। क्लियर। ये पर्टिकुलर मैसेज जाएगा आपको, क्या मैसेज आप डालना चाहते हैं, आप यदि किसी भी डिसीज का आप चेक करवाना चाहते हैं या आपने कोई डिसीज की फोटो भेजी है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि क्या उसकी पर्टिकुलर डिसीज है। क्लियर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद यदि मैं बात करूँ एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन, सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पर जो एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म का डेटा है वो कहाँ जाएगा, आपके पर्टिकुलर जो एडमिन पैनल है उसके पास जाएगा। यदि वो कंफर्म करेगा तो आप एक्सपर्ट लॉगिन पेज के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो चलेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि एक्सपर्ट जो लॉगिन है वो आपका किस तरीके का दिखेगा, तो यहाँ पर आपका होम पेज पे दिखेगा कि जो आपके यूजर्स हैं, यूजर्स मान लीजिए कोई भी यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप यहाँ पर कंफर्म बटन के थ्रू उनको कंफर्मेशन दे सकते हैं, तो उनका जो यूजर नेम और आईडी थी वो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर फार्मर्स का डेटा आएगा जो कि आपके फार्मर्स ने आपको प्रॉब्लम्स भेजी थी, इस पे क्लिक करके आप उनके डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर सेंड मैसेज कर सकते हैं, मैं कोई भी मैसेज देना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, तो इस तरीके से आप मैसेज भी भेज सकते हैं। अब आपका जो मेन एडमिन है वो इस तरीके से लॉगिन होगा, उसका बटन होगा डायरेक्ट आपका, मैंने आपको नेविगेशन पेज में भी दिखाया था, इस तरीके से आप एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज में आएंगी। बेसिकली मैं बात करूं कि फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के थ्रू जा सकते हैं, या आप एडवांस में जा सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर मैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के थ्रू फ्रंट एंड कंप्लीट करूंगा, पीएचपी के थ्रू बैकएंड कंप्लीट करूंगा, और सर्वर्स का यूज होगा जो कि मैं जैम्प यूज करूंगा, MySQL डेटाबेस के लिए यूज करूंगा, और यहाँ पर मान लीजिए कि जो आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज होगा, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और मे बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ सॉरी एल्गोरिथम्स। क्लियर। आपको लैंग्वेज लगेगी मशीन लर्निंग के लिए पाइथन। क्लियर। पाइथन के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको पांडास आना चाहिए, आपको मैटप्लॉटलिब, यदि आप उसके ऊपर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, विजुलाइजेशन देना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी कुछ लाइब्रेरीज का यूज भी लग सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू द कंप्लीट प्रोजेक्ट। क्लियर। तो ये हमारा मोटिव है कि इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। क्लियर। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।